हेलो स्टूडेंट, आज का क्लास क्लास टेंथ का मैथ का है। इससे पिछले वाले वीडियो हम लोगों ने हमारे पेपर टू के पार्ट सिक्स के क्वेश्चन नंबर सिक्स तक के क्वेश्चन को हम लोगों ने कंप्लीट किया था। आज के इस वीडियो में उसके नेक्स्ट जो आपका यूपी बोर्ड से संबंधित इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम लोग देखेंगे। तो आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 7 है, सभी खंड कीजिए। टू आपका 6 नंबर का है, 2 रहेगा 12 हो जाएगा। को आपका देखिए, यदि घात समीकरण 2x² + kx + 3 = 0 दोनों मूल वास्तविक और बराबर हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। क्या आप लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 का को का फर्स्ट देखिए। ये आपका दिया है 2x² + kx + 3 = 0। यह ए है, यह बी है, ए सी है, कर्ण मूल बराबर हो b² - 4ac = 0। बी का मान k² हो जाएगा 4, ए का मान 2। ये आपका 4 × 8 = 24 या k² = 24 या k = 24 + - मूल समान वाले कंडीशन में जो आपका k का मान होगा यही होगा। सेकंड देखिए, पूरा दिन घास होगा 2x² - 5x + 3 = 0 को हल कीजिए। यहाँ पर या ए हो गया या बी हो गया या इसको गुणनखंड से कर लीजिए। 3 × 6 = 6, 6 × 2 = 5, 2 × 2 = 2 2x कॉमन x माइनस 1 माइनस 3 कॉमन x माइनस 1 x माइनस 1 2x माइनस 3 x = 1 x = 3/2। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 का क का फर्स्ट और सेकंड का कंप्लीट सॉल्यूशन होगा। इतना आप करते हैं तो 3 नंबर है और 3 नंबर है मिलेगा, 3 और 3 6 नंबर का होगा। अब खा देखिए, एक समांतर चतुर्भुज एबीसीडी में भुजा एडी पर कोई बिंदु ई है तथा बी ई पर बी ई भुजा सीडी को बिंदु एफ पर प्रक्षेप करती है तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ए बी ई समरूप होगा त्रिभुज सी एफ बी में। क्वेश्चन नंबर 7 का ख, समांतर चतुर्भुज आपका होगा ए बी सी डी। देखिए ए डी पर कोई बिंदु है, बी ई को मिला रहा है जो सी डी को यहाँ पकड़ रहा है, ठीक है। और आपसे देखिए कि ए बी ई, ए बी ई तो सी सी एफ बी में देखिए यह कोण इस कोण के बराबर होगा। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख कोण समान होते हैं, यह इसके पैरेलल है। यह कोण एक, कोण एक बराबर कोण दो होगा, ठीक। दो त्रिभुज में दो कोण समान है तो त्रिभुज कहाँ जाएंगे, समरूप। ए बी ई समरूप त्रिभुज सी एफ बी।
एक लिख सकता है क्या, कोण कोण समानता से है, यानी दो त्रिभुज में दो कोण समान हो गए त्रिभुज कहाँ जाएंगे, समरूप हो जाएंगे कोण कोण समरूपता से। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 का ख का फर्स्ट है। और सेकंड देखिए, कोण समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर 90 अंश, कोण बी बराबर 90 अंश सिद्ध कीजिए। आप ये आपका ए है, बी है, सी, ठीक है, कोण बी 90 अंश हो गया। डी भुजा बी सी का मध्य बिंदु है, ठीक है, बी सी का मध्य बिंदु है, तो सिद्ध करना है। तब आइए त्रिभुज ए बी सी में ए सी का वर्ग बराबर ए बी का वर्ग धन बी सी का वर्ग, त्रिभुज ए बी डी में ए डी का वर्ग बराबर ए बी का वर्ग बी डी का वर्ग, ए डी का वर्ग बराबर ए बी का वर्ग धन बी डी बी सी का हाफ, या ए डी का वर्ग बराबर ए बी का वर्ग धन बी सी का वर्ग बाय कितना 4, या 4 ए डी स्क्वायर माइनस 4 ए बी स्क्वायर, इसका इसमें इससे बड़ा का पक्षांतर कर लिए बराबर बी सी स्क्वायर। समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से देखिए, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर धन बी सी, बी सी की और भी देंगे 4 ए डी स्क्वायर माइनस 4 ए बी स्क्वायर, या ए सी स्क्वायर बराबर 4 ए डी स्क्वायर माइनस आपका 3 ए बी स्क्वायर। देखिए ऐसे करना, ये क्वेश्चन नंबर 7 का सेवन का ख का सेकंड का कंप्लीट सोल्यूशन हुआ। अब ये फर्स्ट और सेकंड अगर ख का करते हैं, तीन नंबर या तीन नंबर या अथवा में देखिए, और इसको सॉल्व करना है तो अकेले 6 नंबर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 7 का ख का अथवा देखिएगा, 5/(x-1) धन 1/(y-2) ये सभी का रेट हो गया 6/(x-1) -3/(y-2) इक्वल 1। क्या करें, समीकरण 1 × 3 धन 2 15/(x-1) 3/(y-2) और 6 हो जाएगा 6/(x-1) -3/(y-2) एक घट जाएगा 15/6 = 21 /(x-1) 7/3 या x-1 = कितना 3 या x = 4। और लिखेंगे समीकरण 1 से, x का मान अगर 4 कर रहा हूँ, 4 में से 1 जाएगा 3 जाएगा 5/3 धन 1/y-2, फिर राइट में जाएगा 1/y-2 2-5/3। अब 1/y-2 3×6 = 1/3, इसका इसमें y-2 = 3 y = 5,
यक्स का मान आपका कितना होगा और वाई का मान कितना होगा फाइव। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 का ख का अथवा का कंप्लीट सोल्यूशन होगा। अगर इतना करते हैं तो आप 6 नंबर मिलेगा आपको। अब आइए इसका अथवा देखिए पुनः। पुनः अथवा का क्वेश्चन और 30 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त पर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक संकेंद्रित वृत्त के किसी बिंदु से स्पर्श रेखा की रचना की है, उसकी लंबाई नापनी है। सबसे पहले 30 सेंटीमीटर त्रिज्या वृत्त खींचेंगे और इस पर संकेंद्रित वृत्त बनाएंगे, ठीक है। 5 सेंटीमीटर इसको कोई बिंदु लेंगे, इसको मिलाएंगे, इसका आधा करेंगे, आधा को केंद्र मानकर या दूरी लेकर एक वृत्त बनाएंगे, ठीक है। जो छोटे वाले वृत्त को ए और बी पकड़ता है, ए बी और इसको क्या करें, इसको और इसको इसको माप ना माप कर लीजिए। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 का ख का अथवा का एक कंप्लीट सोल्यूशन होगा। इसके बाद इसके जो हमारा पेपर 2 था वो आपका कंप्लीट हुआ। इसके बाद अब जो भी आपका वीडियो बनेगा और सिलेबस से संबंधित बनेगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपको धन्यवाद।